Hello, my dear students. How are you all in this lockdown? Hope that everything is going on fine. So, today we are going to start a very much interesting chapter of biology, that is the microorganisms. This microorganisms may be our friend or may be our foe also. But for the first, at the very beginning, लेट अस सी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता क्या है आखिर. सो बाय द नेम इटसेल्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मीन्स दोस ऑर्गेनिजम्स विच वी कैन सी ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप कैन बी सीन ओनली थ्रू अ माइक्रोस्कोप. ये वैसा ऑर्गेनिजम्स है जिसको हम लोग सिर्फ अपने माइक्रोस्कोप के थ्रू से ही देख सकते हैं. इट मे बी ए सिंपल माइक्रोस्कोप और ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप और एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, नो मैटर्स. देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स. ये तीन टाइप्स जो है ये मतलब मोस्ट यूज है. देर इज़ अ सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो ये पहले जो था रॉबर्ट हुक और फिर एंटोन वॉन लीवेनहॉक, दिस साइंटिस्ट दे वेयर द ग्रेटेस्ट बायोलॉजिस्ट ऑफ ऑल द टाइम. दिस साइंटिस्ट जो रॉबर्ट हुक जो था वो तो खुद अपना बनाया हुआ एक बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप था. वो अपना खुद का लेंस से बनाया था माइक्रोस्कोप. लेंस दो को डाल दिया और फिर एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर में, एक ऊपर में एक नीचे में, लेंस दो को डाल दिया, उसी से माइक्रोस्कोप बना लिया रॉबर्ट हुक. So these microscopes were not so much effective microscope. तो इसके लिए फिर नॉल एंड रस्का ये दोनों रशियन है. These two are Russian physicists and they together in the year 1962 made the first electron microscope. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया दिस टू रशियंस, दैट इज नॉल एंड रस्का. सो दिस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का डिस्को इन्वेंशन होने के बाद तो बहुत चेंजेस आ गया ये माइक्रोबायोलॉजी में. माइक्रोबायोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. सो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? माइक्रोबायोलॉजी मीन्स here micro means microorganisms and biology means study of the life. So study of the life of, or simply study of live microorganisms, study of microorganisms ko hum log microbiology kehte hain. Ye microorganisms jo hai, these microorganisms can be seen only through the help of a microscope se hi hum log sirf dekh sakte hain. That is, they cannot be seen, can't be seen through our naked eyes. Naked eyes means the eye on which we are not using anything. It is only the eye. उस पर हम लोग lens भी कोई नहीं लगाए हैं, spectacle भी नहीं लगाए हैं. Now what I am doing? ये मेरा naked eye है? नहीं है. I am doing vision through this spectacle. थ्रू दिस लेंस, ये लेंस के थ्रू से मैं विजन कर रहा हूँ. लेंस और मेरा आँख का लेंस जो है, दोनों के थ्रू से. सो इसको हम लोग नेकेड आई नहीं बोलेंगे. अगर मैं चश्मा उतार देता हूँ देन इट इज़ सेट टू बी नेकेड आई. सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसा एक ऑर्गेनिजम्स है, बहुत स्मॉल ऑर्गेनिजम्स है. दिस आर वेरी वेरी मच स्मॉल ऑर्गेनिजम दैट दे कांट बी सीन थ्रू द नेकेड आई. दे कैन सी बी सीन ओनली थ्रू ए माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं. सो different types of microorganisms are present. Earlier when the electron microscope was not discovered, then tabhi sirf four types of microorganisms exist karta tha. Scientists knew only about four types of microorganisms. They are protozoa, bacteria, algae, fungi. So these were the four types of microorganisms that scientists and biologists found until the discovery of the electron microscope. जब electron microscope discovery हुआ, invention हुआ,
तब जाकर के एक बहुत बड़ा रहस्य सामने आ गया, एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड में, एंड दैट वाज विद द वायरसेस। सो नाउ 5 टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू आवर टेक्नोलॉजी। एंड ये वायरस जो है, वायरसेस, इसके बारे में हम लोग, ये वायरसेस वाला टॉपिक जो है, वायरस एंड बैक्टीरिया वाला, ये दोनों टॉपिक्स जो है बहुत बहुत इंटरेस्टिंग होगा, मज़ेदार होगा। सो लेट्स कंटिन्यू एंड डोंट लॉस योर जोश। सो हियर लेट अस फर्स्ट सी अबाउट द बैक्टीरिया। सो दिस बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट ऑफ ऑल, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है बैक्टीरिया। सो दिस बैक्टीरिया जो होता है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, दे आर सेड टू बी प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स क्या है, अब यूकैरियोट्स क्या है, अब ये हम लोग को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। सो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हियर, एज यू कैन सी, सपोज लेट अस कंसीडर दिस टू बी ए सेल, मान लेते हैं कि ये एक टिपिकल सेल है, दिस इज द टिपिकल सेल डायग्राम। सो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा बैक्टीरिया का शेप में बना दूँ, बैक्टीरिया का शेप में ऐसे करके मैं बना देता हूँ, ओके। सो हियर यू सी, सो प्रोकैरियोटिक सेल मीन्स दो सेल विच डस नॉट हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, इसमें एक नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, कोई भी यहाँ पर न्यूक्लियस नहीं होगा, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है इसमें। दैट मीन्स यहाँ पर जो ये न्यूक्लियस होगा, हर सेल के अंदर में हम लोग को पता है दैट इन द सेंट्रल पोर्शन, मोस्टली इन द सेंट्रल पोर्शन ऑफ द सेल देयर इज ए डार्कर, डेंसर एंड हैवियर रीजन दैट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल, जिसके अंदर में जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA होता है और क्रोमोसोम्स होता है, जीन होता है, ये जेनेटिक मटेरियल होता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। तो ये न्यूक्लियस जो है ना, ये बाउंड करने, न्यूक्लियस जो है ये ऐसे बाउंडेड रहता है बाय मेम्ब्रेन नोन एज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये कौन सा में रहता है, दिस इज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल ओनली, बट ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। दैट मीन्स द सेल इज नॉट वेल, द सेल डस नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसका जो न्यूक्लियस है सेल का न्यूक्लियस, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होगा। यहाँ पर नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस, नो मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस, ओके। हियर यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। व्हेन वी स्टडी द सेल चैप्टर वी विल बी स्टडिंग इन वेरी मच डीपली, तब वहाँ पर बहुत अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि यहाँ पर ये जो लिक्विड पार्ट है, इसका सेल का अंदर में फ्लूड पार्ट जो होता है, फ्लूड पार्ट इज नोन एज साइटोप्लाज्म। और यही साइटोप्लाज्म में यहाँ पर कुछ कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ये मिटोकॉन्ड्रिया है, यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सो दिस मिटोकॉन्ड्रिया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोजोम, पेरोक्सीजोम, सेंड्रोजोम, गोल्गी अपैरेटस, दिस ऑल आर द सेल ऑर्गेनेल्स। ये सब बहुत छोटा छोटा माइनर स्ट्रक्चर्स होता है, माइक्रो स्ट्रक्चर्स होता है, जिसका अपना सबका अलग अलग फंक्शंस होता है। जैसे कि मिटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पर मिटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन है एनर्जी प्रोड्यूस करना, राइबोसोम का फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसाइज करना, लाइसोजोम का फंक्शन है कोई भी अगर फॉरेन पार्टिकल एंटर करता है सेल के अंदर में तो उसको उससे प्रोटेक्शन करना। तो ऐसे ही छोटा छोटा माइनर स्ट्रक्चर्स होता है सेल के अंदर में, जो अपना सबका अलग अलग एक एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। सो दिस स्ट्रक्चर्स आर सेड टू बी सेल ऑर्गेनेल्स, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड कोई भी सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होगा, और बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स तो होगा भी नहीं। बट इन द केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल जो है, जो बहुत ही वेल डेवलप एडवांस टाइप ऑफ सेल है, दैट इज प्रेजेंट इन आवर ह्यूमन बींग्स, दैट इज प्रेजेंट इन मैमल्स, बर्ड्स, ये सब में, मतलब कि हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स में जो मिलता है सेल, दैट सेल इज कॉल्ड यूकैरियोटिक सेल। उसके अंदर में फिर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेल्स होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है,
फिर जा करके इसके न्यूक्लियस के अंदर में देखो, यहाँ पर न्यूक्लियस के अंदर में भी यहाँ पर क्या होता है, जैसे ये मैं यहाँ पर एक न्यूक्लियस बनाता हूँ, दिस इज न्यूक्लियस फॉर एग्जांपल। न्यूक्लियस के अंदर में ये है क्रोमोसोम, क्रोमाटिन, क्रोमाटिन मटेरियल है, दैट मीन्स द जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर में फिर यहाँ पर एक डार्क डेंस स्ट्रक्चर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियोलस बोलते हैं, न्यूक्लियोलस। तो ये न्यूक्लियोलस जो होगा ना, ये न्यूक्लियोलस भी नहीं होता है, नो न्यूक्लियोलस। दैट इज़ वाई ये सब चीज़ ना होने के कारण से हम लोग बोलते हैं कि बैक्टीरिया का सेल जो है, दैट इज लेस डेवलप टाइप ऑफ सेल, लेस डेवलप्ड टाइप। ठीक है, अगर यूकैरियोटिक सेल होता तो यूकैरियोटिक सेल जो होता वो बहुत ही एडवांस टाइप सेल, उसको हम लोग बोलते हैं। बट बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया आर प्रोकैरियोटिक, दैट मीन्स दे डू नॉट हैव दिस एंड सो दे आर कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। एंड प्रोकैरियोटिक के साथ साथ ये सब क्या है, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो यूनिसेलुलर का मतलब है जिसका बॉडी सिंगल सेल से बना हुआ हो, सिर्फ एक ही सेल से बना हुआ हो, दे आर सेड टू बी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एंड जिसका बॉडी एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ रहता है, दे आर सेड टू बी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। सो हायर एनिमल्स जो है, प्लांट्स, एनिमल्स, और फिर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, या फिर जो भी प्लांट्स देख रहे हो, ऑल द ऑर्गेनिजम्स दैट कैन बी सीन बाय आवर नेकेड आई आर मल्टी सेलुलर, दैट मीन्स देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल, एक से ज़्यादा सेल से बनता है। लेकिन बैक्टीरिया का जो बॉडी है, इट इज़ मेड अप ऑफ सिंगल सेल ओनली। सो नाउ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया न्यूट्रिशन कौन सा करता है, दिस इज वन पॉइंट, बैक्टीरिया का न्यूट्रिशन कैसा होता है। सो द न्यूट्रिशन इन बैक्टीरिया मे बी ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो आई थिंक यू माइट हैव स्टडीड अबाउट ऑटोट्रॉफिक एंड हीटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम सिंथेसाइज देअर ऑन फूड बाई देमसेल्फ, जो अपना फूड अपने से खुद से मैन्युफैक्चर कर सकता है, देट आर सेड टू बी ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। और जो ऑर्गेनिजम अपना फूड अपने से डिपेंड नहीं, अपने से सिंथेसाइज नहीं कर सकता है, और उसको दूसरा ऑर्गेनिजम पर डिपेंड करना पड़ता है फूड अपना लेने के लिए, जैसे कि ह्यूमन बींग्स है, हम लोग हैं एनिमल्स है, हम लोग क्या करते हैं, अपना फूड अपने से सिंथेसाइज नहीं कर सकते हैं। सो वी हैव टू डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स। कौन सा ऑर्गेनिजम, अदर ऑर्गेनिजम्स सच एज स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, है ना, स्मॉलर एनिमल्स, और फिर मोस्टली ऑन द प्लांट्स हम लोग डिपेंड करते हैं फूड लेने के लिए, वहीं से हम लोग फूड खाते हैं। सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर सेड टू बी हीटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, जो अपना फूड अपने से मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि ये बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकता है, हीटरोट्रॉफिक भी हो सकता है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स दे कैन सिंथेसाइज देयर ऑन फूड बाय देमसेल्फ थ्रू द प्रोसेस ऑफ केमोसिंथेसिस। केमोसिंथेसिस नाम का एक प्रोसेस है, मीन्स फोटोसिंथेसिस नहीं, केमोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, यू हैव लर्नड इन द लोअर क्लास कि सनलाइट एनर्जी का हेल्प से फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। लेकिन यहाँ पर केमोसिंथेसिस में क्या होगा, केमिकल इनर्जी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो केमिकल रिएक्शन से केमिकल इनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, वही केमिकल इनर्जी के हेल्प से बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड मैन्युफैक्चर करेगा, दैट प्रोसेस इज नोन एज केमोसिंथेसिस। सो दिस इज ऑल्सो एन ऑटोट्रॉफिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, और हीटरोट्रॉफिक भी हो सकता है, बैक्टीरिया कैन बी हीटरोट्रॉफिक ऑल्सो, दे कैन डिपेंड ऑन अनदर स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स, जो बहुत छोटा छोटा ऑर्गेनिजम्स है उस पर डिपेंड करके अपना फूड अपने से बना सकता है। सो न्यूट्रिशन ऐसा हो गया। लोकोमोशन, लोकोमोशन मीन्स मूवमेंट, मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे करेगा, तो बैक्टीरिया में मूवमेंट करने के लिए यहाँ पर एक टेल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, दिस स्ट्रक्चर, हेयर लाइक स्ट्रक्चर और व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग बोलते हैं फ्लाजेला, फ्लाजेला, दिस इज नोन एज फ्लाजेला। सो यहाँ पर लोकोमोशन किसके थ्रू होता है, बाय फ्लाजेला के थ्रू से होता है, फ्लाजेला। यहाँ पर जो एक व्हिप लाइक स्ट्रक्चर है, WHIP, व्हिप लाइक स्ट्रक्चर, इसके थ्रू से बैक्टीरिया मूव करता है, लोकोमोट करता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नाउ
According to the shapes, bacteria are of four types. इसका शेप के अनुसार means based on shape, bacteria का कितना होता है? Four types होता है. So what are the four types? Number one, coccus. Coccus spherical shaped bacteria को बोलते हैं. Spherical shape, ऐसे round shape जो होता है, this round shape और spherical shape bacteria are said to be coccus shaped bacteria. Second number is the vibrio. Vibrio means comma shaped like this. I think you might have seen in some pictures bacteria, some bacteria like this, comma shaped. Number three, rod shaped bacteria are known as bacillus. So bacillus jo hota hai ye rod shaped hota hai. Rod shape means it will be looking like this, just as I have drawn here. So number four is the spirillum. This will be cork screw shape type of bacteria. Cork screw shape. So cork screw shape jo hota hai kuch is tarah hota hai bacteria ka shape. Okay, here will be flagella, here may also be flagella. So these are the four types of bacteria based on their shapes. This bacteria are found in extreme diverse environment. Bahut diverse environment mein ye bacteria jo hai paya jata hai. That is if you try to find out bacteria in a pond of water, in a pond water, agar pond water mein bacteria ko dhoondte ho to wahan par pond water mein bhi milega. If you find bacteria in the salty water, to salty water, that is marine water, usme bhi milega, desert mein bhi milega. Dry condition में, wet condition में, हर जगह, everywhere you will be able to find bacteria and bacteria. So this bacteria का जो world है ना, ये एक बहुत fascinating world है. There are many different types of bacteria, and different types of bacteria का different colors भी होता है. और एक बहुत ही amazing world, fascinating world होता है bacteria का. On a single leaf, मैं बता देता हूँ, एक single leaf में if you put a microscope and you try to observe a single leaf under the microscope, ye koi ek dead, thoda sa dead and decaying leaf le lena hai aur isko microscope ke andar mein dekhna hai. So when we try to see this single leaf on a microscope, we will be able to see a world of bacteria. Yahan par sirf ek do bacteria nahi hoga, there will be millions and millions of bacteria. Okay, एक वर्ल्ड की तरह लगेगा, पूरा एकदम एक फैसिनेटिंग अमेजिंग वर्ल्ड की तरह दिखेगा. सो बैक्टीरिया यहाँ पर होगा. नाउ दिस बैक्टीरिया जो है, सम बैक्टीरिया आर वेरी मच हाईली यूजफुल टू अस एंड सम बैक्टीरिया आर हार्मफुल फॉर अस ऑल्सो. सो यू सी, यूजफुल बैक्टीरिया जैसे कि लैक्टोबैसिलस होता है. लैक्टोबैसिलस क्या करेगा? लैक्टोबैसिलस हेल्प इन द कन्वर्सन ऑफ सेटिंग ऑफ मिल्क इंटू कर्ड. मिल्क से कर्ड बनाने में लैक्टोबैसिलस जो है वो मदद करता है. एंड यू कैन ऑल्सो सी सम मेनी मोर बैक्टीरिया आर देयर. ओके, दैट इज यूजफुल टू अस. एंड कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जैसे कि साल्मोनेला टाइफी, वो टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है. आई विल राइट हियर लैक्टोबैसिलस. सो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया इज प्रेजेंट इन द मिल्क. And this helps in the settling of milk into curd. यहाँ पर दही जो होता है, दही बनाने के लिए ये मदद करता है. So this is a useful bacteria. And here Mycobacterium tuberculosis. So you see इसका नाम कितना fascinating name है. So these are all scientific names, students. Okay, so you must underline all scientific names. ये हम लोग जब higher classes में पढ़ेंगे, class 9 में and class 11 में भी, यहाँ पर बहुत अच्छे से scientific names लिखने का rules है वो सब classes में. तो वहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे कि scientific name अगर कोई भी लिखते हैं organism का, then we have to underline the scientific names. Okay, separately. So we are underlining separately. So Mycobacterium tuberculosis जो है, this causes TB. TB means tuberculosis disease cause कराता है. Number three, Salmonella
tie fee. By the name itself, it will cause typhoid disease. So some of you might have suffered from typhoid disease, and it can be fatal also. Typhoid disease जो है, death हो सकता है इससे individual का, तो ये typhoid disease cause कराता है. Number 4, E. coli, Escherichia coli. So this Escherichia coli जो है, ये एक parasite है. This is a parasite in the intestine of human being. कहाँ पर? Large intestine. हम लोग का large intestine जो है, large intestine के अंदर में एक parasite, एक पाया जाने वाला parasite है, parasitic organism है. ये Escherichia coli. Okay. So this Escherichia coli are also useful for us. ये useful होता है फिर. ये harmful नहीं होता है. This is useful because this helps in the digestion. ये कुछ कुछ digestion में मदद करता है. Okay. So here as you can see, besides this, apart from this, many more examples of useful and harmful bacteria are there that we are going to discuss surely in the coming next lecture. So students, give a like to the video if you really enjoy this, if this is beneficial for you, and share with your friends. So let us meet very soon in our coming lecture. Thank you very much.